हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। पुदीने की खुशबू, उसके अरोमा और जो उसका टेस्ट है, हम सभी लोग उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। आज की वीडियो में हम पुदीने के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी हेल्थ को क्या क्या बेनिफिट्स हैं पुदीने के, उसके साथ साथ ये हमारी ब्यूटी के लिए और हमारे बालों के लिए कैसे हेल्पफुल है, उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में पुदीने के क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। चटनी हो या आम का पना, रायता हो या पुलाव, पुदीना हर चीज़ में मिक्स होने के बाद उसको एक अलग ही फ्लेवर देता है, उसके फ्लेवर को एनहांस कर देता है। कैंडीज़, च्युइंगम, टूथपेस्ट, माउथ वॉशेज, इन सब में मिंट फ्लेवर को बहुत यूज़ किया जाता है। मिंट के अरोमा को हम अरोमा थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, हीलिंग के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। पुदीना हमारे मन और हमारे शरीर पर एक सूदिंग इफेक्ट डालता है, जो कि इसमें प्रेजेंट मेंथॉल की वजह से होता है। मिनरल से भरपूर पुदीने में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके साथ साथ पुदीना में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी मात्रा में हैं। पुदीने की बहुत सारी वराइटीज़ हैं, जिसमें से पेपरमिंट और स्पीयरमिंट को ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद में पुदीना को वायुनाशक के रूप में जाना जाता है। ये सीने में जलन, जिसको कि हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, या नौजिया सेंसेशन, जिसमें कि उल्टी की सेंसेशन होती है, उसमें बहुत अच्छा राहत देता है। इसके पत्तों को चबाकर खाने से पेट की ऐंठन और दर्द से राहत मिलती है। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो खाना खाने के बाद एक ग्लास गर्म पानी में कुछ बूंदें पुदीने के तेल की मिलाएं और उसको पी लें। जब वो इसको रेगुलर खाने के बाद लेंगे, तो उनका जो डाइजेशन है वो हेल्दी हो जाएगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पुदीना हमारी ओरल हेल्थ के लिए, हमारे मुंह की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बैड ब्रीथ, मुंह से बदबू आने की समस्या है, उन्हें 4 से 5 पत्ते हर दिन फ्रेश पत्ते तोड़ें और चबा कर खा लें, तो जो हमारे ब्रीद्स हैं, सांस, वो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और जिन लोगों को दांतों में दर्द रहता है या मसूड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन्हें भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। पुदीने में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये हमारे मुँह में किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करता है। पुदीने को हम मस्कुलर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओलिव ऑयल या बादाम का तेल में हम कुछ बूंदें पुदीने की तेल की मिला लें, और जहाँ पर दर्द है, वहाँ पर जब हम इसकी मसाज करेंगे, तो दर्द से राहत मिलेगी। अस्थमा, एलर्जी के पेशेंट और साइनस के पेशेंट्स के लिए भी हम पुदीने के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम कोकोनट ऑयल लें और उसमें कुछ बूंदें पुदीने के तेल की मिला लें। अब जो हमारा ऑयल तैयार हो गया, उसको हम चेस्ट एरिया, नेक और नाक के आसपास मसाज कर लें, तो सांस लेने में बहुत आसानी होगी। अगर कफ जमा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बर्तन में पानी लें और उसको गर्म कर लें, उसमें कुछ ड्रॉप्स पुदीने के तेल की डालें, और जब उस भाप को हम लेंगे, तो जो कफ जमा हुआ है चेस्ट में, वो भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम अरोमा थेरेपी में भी करते हैं। पुदीने के तेल की कुछ बूंदें हम रुमाल में अपने डालें और उसको सूंघने से क्या होता है कि जो एक स्ट्रेस हमें हो गया है, जिसकी वजह से कई बार हेडेक्स आ रहे होते हैं, या बहुत काम करने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है, उसमें हमें एक बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ हम इसका एक और यूज़ कर सकते हैं कि अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें हम पुदीने के तेल की डाल लें, नहीं तो हम इसकी जगह फ्रेश 4 से 5 लीफ पुदीने के पत्ते की डालें, तो नहाने के बाद हमें बहुत फ्रेशनेस फील होगी। हमारी हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी के लिए भी बहुत कारगर है पुदीने का इस्तेमाल, इसीलिए आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है। पुदीना हमारी स्किन की सेल्स को एनर्जी देता है, उन्हें रीजेनोवेट करता है, और उनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इसका इस्तेमाल फेस क्लिंजर, बॉडी वॉश और सोप में किया जाने लगा है। पुदीने का इस्तेमाल हम ऑयली स्किन के लिए कर सकते हैं।
एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से पुदीना जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा यूज़ बताती हूँ कि हम पुदीने के पत्तों को पानी में उबाल लें और वो जो पानी हमारे पास आ गया उसको कॉटन की हेल्प से, जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसको लगा लें अच्छे से। 15 से 20 मिनट इसको लगा रहने दें और फिर फ्रेश वाटर से इसको धो लें। दिन में 2 बार इसको यूज़ करें और जब तक कि प्रॉब्लम उनकी ख़त्म ना हो जाए मुहासों की तब तक वो इसको यूज़ करते रहें। पुदीना स्किन में सीबम के प्रोडक्शन को घटाता है। जिन लोगों की स्किन पर किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो गई है या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है वो लोग भी सेम इसी तरीके से पुदीने को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। पुदीना हमारे बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमें कैसे यूज़ करना होगा कि हम जो पुदीने का तेल है उसकी कुछ ड्रॉप्स, जो तेल हम अपने बालों में यूज़ करते हैं, सपोज़ हम ओलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं या बादाम का तेल यूज़ कर रहे हैं या कोकोनट का तेल यूज़ कर रहे हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप्स हम मिलाएं पुदीने के तेल की और उसके बाद अपनी स्कैल्प पर और पूरे बालों की लेंथ में उसको अच्छे से लगाएं, 4 से 5 मिनट उसकी मसाज करें और फिर उसको लगा रहने दें करीबन 45 मिनट्स या 1 घंटा। उसके बाद शैम्पू से धो लें। ये जो यूज़ है पुदीने का हमें वीक में 2 बार करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी स्कैल्प का जो पीएच लेवल है वो एकदम बैलेंस्ड होगा, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और जो डेंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है उसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। पुदीने को हम पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब हम उसको यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल वही एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस और अरोमा हमें देगा। इसके लिए हम पुदीने के पत्तों को धोकर और छाया में सुखा लें। जब वो सूख कर कड़क हो जाएं तो उन्हें एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख दें। पुदीने के बहुत सारे फ़ायदे हमने डिस्कस किए हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए, हमारे बालों के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस यूज़ करेंगे, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो उसकी हमें प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं या कुछ चीज़ों में हमें अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि पुदीने के केस में हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन है उन्हें पुदीना का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर हम अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो किडनी फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।